begins toward the Rani Khet Nainital. अब हम आपको रानी खेत दिखाएंगे और ये हमने रानी खेत के लिए स्टार्ट कर दिया. नैनीताल रोड कहते हैं इस रोड को और ये करण प्रयाग से कटती है और स्टार्ट हो चुका है. देखते हैं क्या क्या हर्डल्स आते हैं रास्ते में, क्या क्या चुनौतियाँ आती हैं और कैसे हम उनको सॉर्ट आउट करते हैं. शानदार नज़ारा इंदर रिवर का जो आगे जाके अलकनंदा रिवर में मिलती है और जहाँ मिलती है उसे करण प्रयाग बोला जाता है. तो जो एंड पॉइंट आपको शायद मिडिल में दिख रहा होगा तो वो संगम है इंदर रिवर और अलकनंदा रिवर का. ये थोड़ा जूम करते हैं हम, ये ब्रिज जो दिख रहा है ये वही ब्रिज है जो इस चीज़ को इंदर रिवर के साथ साथ ये रोड चल रही है जो कि गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट को अल्मोड़ा से कनेक्ट कर रही है. मे बी आई एम रॉन्ग, गढ़वाल रीजन को अल्मोड़ा रीजन से कनेक्ट कर रही है. पूरा ही उत्तराखंड के पास में संस्कृत से लगा रहा है. पिंदर रिवर जो कि एक सब रिवर है अलकनंदा बेटे और भी लंडे करण प्रयाग से कुछ किलोमीटर दूर. करण प्रयाग से कुछ किलोमीटर दूर चलने के बाद हमें दर्शन हुए इस प्राचीन मंदिर के, श्री आदि बद्री. इस मंदिर में टोटल 16 सही स्थिति में हैं. प्रमुख मंदिर भगवान विष्णु जी का है. क्यों है इसमें बने हुए? वो सत्यनारायण जी, श्री लक्ष्मी माँ, अन्नपूर्णा माता, चक भान कुब, राम, लक्ष्मण, सीता, काली, भगवान शिव, गौरी शंकर एवं हनुमान जी को समर्पित है. इस प्राचीन मंदिर का देखभाल आजकल आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया करता है और इसकी मान्यता है कि ये 8वीं से 11वीं सदी में पांडवों ने बनवाया था. चलिए आगे बढ़ते हैं. करण प्रयाग से कुछ किलोमीटर दूर चलने के बाद हमें दर्शन हुए इस प्राचीन मंदिर के, श्री आदि बद्री के बाद बाइक चलाते चलाते शाम हो चुकी है और लगता है हम टारगेट पे नहीं पहुंच पाएंगे. टारगेट रानीखेत था हमारा, बट क्या करें, रुकना तो है कहीं. रात होने लगी है तो गैरसैन हमने प्लान किया है. गैरसैन प्रपोज्ड उत्तराखंड की समर कैपिटल है और यहाँ पे विधानसभा ऑलरेडी बन चुकी है. बाकी गैरसैन में रुकेंगे, आपको दिखाते हैं. गैरसैन में जो रुके थे किसी कारणवश हमारे वीडियो नहीं बन पाए क्योंकि हम थक बहुत ज़्यादा गए थे, तो आते ही सो गए, माइंड काम नहीं कर रहा था. चलिए सुबह उठ के आपको एक दृश्य दिखाएंगे गैरसैन. गैरसैन से रानीखेत के लिए ये गैरसैन के आप मेन मार्केट मौसम बहुत अच्छा है, ठंड भी लग रही है. आगे रोड ब्लॉक था तो सोचा बाइक ही धो लें. पहाड़ों की कटाई हो रही थी इस वजह से सेफर साइड उन्होंने रोड ब्लॉक करके रखा हुआ था. 10 मिनट बाद खुला, फिर हमने स्टार्ट की आगे. शानदार नज़ारा, सड़क पे हमें ड्रैगन मिला है, तो कितनी आराम से जा रहा है. हम भी इसको वेट कर रहे हैं कि चला जाए. गया जैसे ही चमोली डिस्ट्रिक्ट छोड़ा
जैसे ही चमोली डिस्ट्रिक्ट छोड़ा और अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में हमने एंट्री करी, तो यहाँ पे हमें पुलिस ने पकड़ लिया और यहाँ पे हमारा कर भीमताल। देखिए लेफ्ट में भीमताल जा रहा है और ये राइट में नैनीताल, तो हमें नैनीताल लेना है, हमने राइट में ले लिया। और ये निर्माण केंद्र है और नैनीताल भवाली रोड के बीच में ये है, एक शानदार व्यू। बादल रोड के साथ चलते हुए ऊपर आ रहे हैं। भवाली की साइड से हमने नैनीताल में एंट्री करी और एंट्री करते ही ये बहुत ही आँखों को लुभाने वाला दृश्य है नैनीताल लेक का, और साथ माल रोड। लोग बहुत कम हैं क्योंकि कोरोना चल रहा है, तो पब्लिक कम आ रही है फिलहाल। यहाँ पे स्ट्रिक्टनेस भी ज़्यादा है, चलान बहुत किए जा रहे हैं खास करके टूरिस्ट के। चलिए फटाक से अपने एंड पॉइंट पे पहुँचते हैं और यहाँ से गाइज, ये नैनीताल का माल रोड है और ये माल रोड पर आपके नॉन वेज के रेस्टोरेंट की जगह है। देखिए सब तरफ नॉन वेज के रेस्टोरेंट हैं, काफ़ी भीड़ लगी हुई है। और ये हमने चुना है बिरयानी खाने के लिए, आलम चिकन बिरयानी। आपको दिखाते हैं स्टार्टिंग टू एंड। देखिए हम एंटर हो रहे हैं इसमें। ये हमारी बिरयानी है, मैंने हैदराबादी बिरयानी ली है और आशिम भाई ने मुरादाबादी बिरयानी ली है। इसको खा के यहाँ का लुत्फ लेंगे, आपको थोड़ी सी जगह दिखाएंगे फिर अपने वापस। तो बिरयानी खाने के बाद हम लोग निकलते हैं अपने होम टाउन के लिए। और वैसे जनरली लोग बाग उतरते हैं काठगोदाम के रास्ते, हल्द्वानी पहुँचते हुए अपने घर से दिल्ली वगैरह चले जाते हैं। हम लोग उतरेंगे काला ढोंगी वाले रास्ते से, ये रामनगर जिम कॉर्बेट जो है उसी का हिस्सा है थोड़ा सा, और इसी के रास्ते हम लोग उतरेंगे। और अंधेरा होने लगा है बहुत ज़्यादा, सो हमारा फाइनली ये टूर पूरा हुआ और हम लोग कोशिश करेंगे कि इससे बेटर और अच्छा टूर आपको दिखाएं और आपको सारी चीज़ें जहाँ जहाँ जाएँ वहाँ की हम लोग इंट्रोड्यूस कराएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अटन, एंड प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने सर्किल में शेयर भी।